हम बात ही कर रहे हैं आपस में, अचानक से क्या हुआ कि जैसे कि कोई चीज नहीं गिरती, बहुत तेज अच्छा बाथरूम में से आवाज आई, सारों ने सुनी, सारे एकदम बोलते बोलते एकदम चुप चुप हो गए, बिल्कुल शांत। उनको ऐसा लग रहा था कि वो आगे आगे शूट कर रहे हैं और वो चीजें पीछे चल रही हैं उनके, चप्पलों की इस तरह से आवाज आना, खट 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 इस तरह से। तो सारी हमारी टीम ने कहा कि गुरुजी यहाँ कुछ ना कुछ है, एक्टिविटी है ऐसी। सभी को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। देहरादून में एक ऐसा घर जहां पर है भूतों का साया, देहरादून के हॉन्टेड हाउस की एक ऐसी कहानी इस वीडियो में आप देखोगे। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा हो सकता है आपने दारी एलवन खोला और आपको मजा ना आए? ऐसा तो नहीं हो सकता। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इंडिया के प्रीमियर क्रिकेट एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्रिक एक्स। अगर आप चाहते हो अल्टीमेट क्रिकेट एक्साइटमेंट तो आपको इस वेबसाइट पे जाने ही पड़ेगा। गाइस, जैसे ही आप दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे और साइन अप करोगे तो आपको मिलेगा 300 रैपिड बोनस। आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने रजिस्टर किया था ना, मेरे को 300 रैपिड बोनस मिल गया था। यहां आपको ट्रस्ट की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रोबिन उथप्पा और भी क्रिकेट इंटरनेशनल प्लेयर्स। यहां पर आपको बहुत सारे क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स मिलते हैं, लाइक रोलेट, ब्लैक जैक, बकेलेट रमी और भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास लॉट्स। यहां पर आप इंजॉय कर सकते हो आईपीएल मैच और भी ज्यादा क्रिकेट मैचेस, और वो भी HD में। गाइस, जो मेरे को भी 300 रैपिड बोनस मिला था ना, सिर्फ इसी को मैंने यूज करके ना 1000 रुपए कमा लिए और मैं इसको विड्रॉ करने जा रहा हूँ। और आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली मैंने पैसे जो है वो विड्रॉ भी कर लिए हैं। किस बात का इंतजार है, अभी जाओ पिन कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर जाके साइन अप करो और पाओ वेलकम बोनस। गुड लक। पहली बात, गंगा घाट पे जो पहला वाला पॉडकास्ट था वो भी गंगा घाट पे था महाराज जी का, लेकिन मैंने कहा भाई महाराज जी से कम 2 स्टोरी तो मैं लेके जाऊंगा आज। ठीक है महाराज जी, आप देहरादून की बता रहे थे, हरिद्वार कहाँ की बता रहे थे आप? पहले पॉडकास्ट में जो बताया? नहीं नहीं, अभी जो हम अच्छा, बात करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, आप तो देहरादून में गए। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है वैसे देहरादून। हाँ, 85 किलोमीटर है जहाँ पर हम बैठे हैं। देहरादून गए थे तो उनका भी फोन आया था, उनको काफी समय से हम टाल रहे थे, आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, इस तरह से। तो काफ़ी समय के बाद फिर हमने उनको समय दिया तो हम गए थे। देहरादून के पास ही था कुछ एरिया, तो वहाँ पे हमारी पूरी टीम गई थी। अच्छा, अब कहते हैं ना हमारी भी तो टीम है पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट की, तो टीम के मेंबर सारे। और वो किसके पीछे चलते हैं? मेरे पीछे। वो कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टिगेशन कर तो लेंगे, बाकी हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना बचा लेना है। तो देहरादून जाते हैं तो हमारे सारे टीम के मेंबर थे, तो हम सारे के सारे देहरादून जाते हैं। तो वहाँ पे उनके घर में क्या है कि ना तो कोई काम बन रहा है, ना किसी की शादी हो पा रही है, और पूरे फैमिली डिस्टर्ब है देहरादून में। हाँ, देहरादून के पास ही कुछ एरिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ था। तो उसमें इसकी भी कुछ वीडियोस बनाई थी आपने? हाँ है। अच्छा है, बाकी देखो वो तो उनके घर की वीडियो तो ठीक नहीं है कि किसी नहीं, मतलब जैसे आपकी कोई क्रिया की वीडियो हो ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमने सारे गैजेट जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट के जो गैजेट हैं हमने वो यूज करे थे, तो उनकी वीडियो है। अच्छा। हाँ, वहाँ ऐसा कुछ हमारे कैमरे में तो नहीं आया, बाकी आवाज वगैरह, और लग रहा था कि कोई ना कोई है अंदर जो हमें रात को डिस्टर्ब कर रहा है। रात को ढाई बजे की बात आई है, पूरी रात लग गई थी हमें, हम सुबह 5 बजे सोए थे वहाँ पे। तो होता क्या है, पहले तो हमें खाना खिलाया उन्होंने, खाना खाया, खाना खा के फिर बात करते रहे, फिर मैं उनकी बातें अंदर की पूछता रहा। तो वो कहते हैं कि कभी तो पेट में दर्द होता है तो पूरी फैमिली के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, पूरी फैमिली के एक साथ? हाँ, पहले एक व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, 1 से 2 के होता है, 2 से 3 के होता है, और जितने भी 4-5 लोग हैं सबके पेट में दर्द। अब कहते हैं पेन किलर लेने से तो दर्द ठीक होना चाहिए, बाकी उनके पेट का दर्द ठीक नहीं होता था। तो इस तरह से उनके सभी के पेट में दर्द। अब चलो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया, मतलब जो उनका बताया हुआ है, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं था।
हफ्ता 10 दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद में पता लगा कि सबके सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। और दर्द भी एक ही साइड हो रहा था, सबको एक ही साइड हो रहा है, राइट हो रहा है तो राइट ही हो रहा है सबको, ऐसा कुछ था वहाँ पे। फिर मैंने पूछा उनसे कि खाली सर में या पेट में दर्द ही होता है या कुछ और भी है, कि महाराज जी और भी कुछ है। मैं पूछने लगा कि और क्या है, कि अब उन्होंने कहा कि एक बार हम शादी में जा रहे थे, वो कहीं गए थे शादी में और रात को देर रात आए, तो वो जैसे ही अपने गेट पे खड़े हुए तो गेट पे काले तिल, काले तिल से कोई स्टार बना हुआ था, सिंदूर रखा हुआ था और कई सारी चीजें आपत्तिजनक वहां रखी हुई थी, जिसमें के मांस के टुकड़े भी थे। अच्छा। रात को अगर वो आ रहे हैं शादी में से, 1-1.5 बजे तो आए होंगे, स्वाभाविक सी बात है कोई शादी में जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो 11 बजे ही आ जाएगा, 12 आया हो, 12:30 या 1 बजे, जब भी वो आए तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ उनके गेट पे किया हुआ है, काले तिल पड़े हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। और ये देखो, चलो ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया है, उस गली में कुत्ते भी तो थे, वो तो मांस के टुकड़े खा सकते थे कुत्तों को, लेकिन मैंने सुना है आभास हो जाता है बहुत तो, जल्दी इन चीजों का। आभास तो होता है, एक कुत्ता है, दो है, वहां तो सैकड़ों कुत्ते जो मैंने वहां नोटिस किया, और जो आवारा कुत्ते होते वो तो खा सकते थे, मतलब कि कुत्तों ने भी वो चीज खा नहीं रखी थी जो मांस के टुकड़े, कुत्तों ने भी मतलब वो चीज रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट कर दी, इग्नोर कर दी वो चीज। अब उन्होंने देखा ऐसा कुछ उनके घर पे हो रहा है, वो फिर उन्होंने वहां से गेट खोला, अब गेट खोल के अंदर गए, पानी लाए, फिर उसको धोवा, धो के साफ किया, तो कहने लगे ऐसा कुछ कई बार हुआ है हमारे। तो महाराज जी आपको क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है, ये किसी मतलब, देखो ऐसा है उनकी है ना कोई दुश्मनी हो, मतलब ये मेरे हिसाब से कोई स्प्रिट या फिर कोई भूत तो नहीं कर सकता, ये कोई ना कोई तांत्रिक है जो उनके ऊपर मतलब वो करना चाहता होगा ऐसा कुछ। वो मैंने पूछा था उनसे रात को जब मैं बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि कभी कुछ ऐसी घटना हुई हो, ये घर कितना पुराना है, तो उन्होंने यही कहा था कि पहले ये घर किसी और का था। अच्छा। ठीक है। और वो यहाँ रहते थे, वो जब तक भी यहाँ रहे परेशान रहे। अच्छा। और दूसरा कुछ ना कुछ वो तांत्रिक क्रियाएं करते थे, जो वो रहता था, जो भी व्यक्ति था, बुजुर्ग था, वो तांत्रिक क्रियाएं वहाँ करता था, कई बार लोगों ने आसपास के ने देखा है, वो जोत जगी रहती थी, हवन हो रहा है, तो इस तरह से कुछ करता था। ठीक है, ठीक है। अब क्या है उन, अब वो तो बेच के चला गया इनको, तो ये भी जब से ये मकान लिया या जो भी वो घर लिया, तब से ये पूरी फैमिली इसी चीज से परेशान थी वहाँ पे। फिर मैंने और कुछ पूछा कि और कुछ ऐसा होता हो, कि हाँ हुआ है, उनके घर में उनके डैडी थे और एक उनका लड़का था, लड़के को क्या है कि अचानक से अटैक दो आ गए। अच्छा। फादर हैं उनको अटैक आ गए, वो हॉस्पिटल से आए। ठीक है। तो इस तरह से भी कहानियाँ वहाँ चलती रहती हैं। तो मैं बोला कुछ और ऐसा कुछ घटित, देखो अगर हम जा रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके आते हैं हम, तो हमने क्या किया उस चीज़ को देखा, उनसे मैंने पूछा कि और कुछ ऐसा घटित होता हो, तो रात को कहने लगे कि रात को आप ही महसूस कर लेना कि यहाँ ऐसा लगता है कि ऊपर कोई घूम रहा है ऊपरी मंजिल पे, नीचे कोई घूम रहा है और उनके बाहर कोई इस तरह से घूम रहा है, तो ऐसा कुछ होता था वहाँ पे। तो रात को बात कर रहे थे और मैं बोला कि ऐसा आज के टाइम में, साइंस का टाइम है और आप इन चीज़ों पे क्यों एकदम से केंद्रित अपना ध्यान क्यों इन, मैं भी पहले ऐसे ही सोचा था महाराज जी, तो एकदम से देखो कि साइंस का टाइम है। मैं तो दीपक जी आपको भी ये कहता हूँ, ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ना ठीक नहीं होता। कई जगह मैंने आपके वीडियो देखी हैं तो आप इतने खतरे में जाते हो, तो मैं देख के कई बार तो मैं भी ये सोचने लगता हूँ कि भाई आप इतने रिस्क में ना जाया करें। आपने मेरी अभी भूतेश्वर महादेव की बात कर रहे थे। हाँ। तो महाराज जी ने भी बोला कि अगर वहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। हाँ, और निकल सकती है। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि मुझे लेके चलो, कुछ चीजें है ना, कहते हैं ना अब सांप है, सांप कहीं छुपा बैठा है, उसको थोड़ा सा छेड़ना ही तो है, तभी तो कुछ निकल के सामने आएगा। अब आपको वो चीजें पता नहीं है कौन सी चीज कहाँ छुप रही है, बस उसको थोड़े से छेड़ने की जरूरत है, देख लेना क्या होता है कैमरे पे। तो आप जो कह रहे हैं, जहाँ भी आप रिस्क ले रहे हैं इतना,
कहीं भी आप जाते हैं तो मैं तो देखो आपको यही सलाह दूंगा कि एकदम से ना बिना सोचे समझे कहीं ना आप जाया करें, अगर जाएं तो थोड़ा सा अपने प्रोटेक्शन करके। तो मैं तो यही सोचूंगा अगर मैं यहाँ आज ऋषिकेश में है तो कोई ना कोई माला मैं खुद आपको या तो कोरियर कराऊं या खुद देने आऊं, ये मैं प्रोटेक्शन आपकी करूंगा, मुझे मतलब आपकी काफ़ी चिंता रहती है। चलो धन्यवाद आपका बहुत महाराज जी, ऐसी चीज़ अगर आप मेरे को दे सको तो, क्योंकि मेरे घर वाले भी इस चीज़ से बड़ी टेंशन में रहते हैं कि तू ऐसी जगह से, मेरी बात हुई थी वो यही कह रहे थे कि ये हमारा बेटा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। नहीं उन्होंने कहा था मेरे से और कि कोई प्रोटेक्शन हो तो इनको देना, जब हम पहले आए थे आपसे रिलेटेड काफी बात हुई थी उनसे, तो उनको फिकर रहती है। हाँ, फिकर कि ये कहीं भी घुस जाता है, ऐसे कहीं भी चला जाता है। देखो मैं तो यही कहता हूँ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, अगर हम यहाँ पे भी अगर पत्थरों में नंगे पैर चलेंगे तो इस समय कोई ना कोई नुकीला पत्थर बढ़ जाएगा, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या है जूते या चप्पल कुछ डाल के जाएंगे तो हम बच जाएंगे, तो प्रोटेक्शन होनी बहुत जरूरी है। हाँ तो हम वो देहरादून, हाँ तो अब रात को हम अचानक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप खुद ही देख लेना। क्या चलो ठीक है, हम बैठ गए, हम हमारे टीम मेंबर जो है उसमें से एक ने कहा कि आंटी आप ऐसा करो आप चाय तो पिला दो। तो जो हमारे टीम मेंबर है जो लड़का है तो उसने कहा कि आंटी चाय तो पिला दो। चलो ठीक है, वो चाय बनाने चली जाती हैं, हम बात ही कर रहे हैं आपस में, अचानक से क्या हुआ कि जैसे कि कोई चीज नहीं गिरती बहुत तेज, अच्छा बाथरूम में से आवाज आई, सारों ने सुनी, सारे एकदम बोलते बोलते एकदम चुप हो गए, बिल्कुल शांत। अब सारे सारों की निगाह मेरे ऊपर कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, हाँ कि ये हुआ क्या। मैं बोला मैं भाई ये आवाज कहाँ से आई है। तो आजाद कहता है कि गुरुजी ये बाथरूम की तरफ से आई है। तो मैं बाथरूम की तरफ को एकदम दौड़ा, वो सारे के सारे हमारे पीछे कि कौन रुक रहा है वहां पे, जब आवाज आई देखा कहीं कोई कुछ भी नहीं था, वो था क्या उनका कोई एक तसला सा था वो उस पे रखा हुआ था वॉशिंग मशीन पे, वो गिरा था। अच्छा वो ऐसा भी तो हो सकता है बिल्ली ने गिर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। देखो तर्क वितर्क आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं भाई वहाँ ऐसे आवाज आई तो आप ये भी पूछेंगे भाई वो आवाज क्यों आई। हाँ। तो मैंने तो दिमाग लगाया कि भाई ये कोई बिल्ली निकली है यहाँ से और वो तसला गिर गया, धड़ाक से आवाज आई है, सही बात है। मैंने तो ये लगाया, फिर सारे कहने लगे कि जी हाँ हो सकता है, मैं हो नहीं सकता भाई कोई बिल्ली यहाँ से गिरी है तो तब ये तसला गिरा है। चलो ठीक है, अब वहां हम यही बात कर रहे हैं भाई तसला इसलिए गिरा है क्योंकि बिल्ली है। अब जहां हम बैठे थे वहां पे क्या था, हमारी एक अटैची रखी हुई थी, वो अटैची की आवाज आई भड़ाक से गिरी, फिर हम दौड़ के वहां आए, अब देखते हैं अपनी अटैची को, हाँ वो गिरी पड़ी है, उसमें हमारे गैजेट वगैरह रहते हैं तो वो नीचे पड़ी है। अब वो लड़का कहता है कि जी अब बताओ अब ये कैसे अब ये कैसे गिर गई। मैं बोला भाई वो बिल्ली हम यहाँ आए वो डर के यहाँ आ गई हो, इसमें तो कोई ज्यादा ठीक है, आप मतलब पॉजिटिव सोच रहे थे उस टाइम पे। मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ जी, मेरी सोच ही पॉजिटिव है, इन चीजों को तो जब कहीं से कोई समाधान ना मिले, हाँ समाधान ना मिले कोई उत्तर ना मिले तब जाके मैं वहां तक सोचता हूँ। मैं बोला भाई वो यहाँ पे भी तो गिर सकती है, चलो फिर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग वहां से डाइवर्ट किया, क्यों अगर मैं ही डराने की कोशिश करूंगा तो वो सारे के सारे डर जाएंगे। हाँ, सही बात संभालने है। वाला कौन है, हाँ, जब एक हेड है संभालने वाला तो उसको ये बातें करनी पड़ेंगी। सही बात है, अगर इस तरह की आवाज आ रही है या कुछ है तो उसको डाइवर्ट कर दो। सही बात है। तो होता क्या फिर वहाँ बात कर रहे हैं, अब वो बुजुर्ग महिला थी वो चाय लेके आ रही थी तो कहने लगा, उसने चाय उठाई उस लड़के ने, दीपांशु भी वहीं था, दीपांशु ने भी चाय उठाई। अब जैसे मैं चाय उठाने वाला था ऐसे करके ऐसे उठाया, उसका जो चाय का कप है ना कप है। जो पीछे से पकड़ा हुआ है वो तो मेरे हाथ में रह गई और चाय नीचे, तो ये नहीं समझ आया, ये एक अलग था। अच्छा सबने चाय उठा ली है, हाँ। मैंने भी कप लिया, चाय उठाई, आप भी नहीं, हाँ। मतलब हमारे जो टीम मेंबर जितने भी हैं, जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं जिनको मैंने ज्ञान दे रखा है तो वो चाय तो उठा लेते हैं, वो पीते थे जब पहले मैं पीऊं। अब सबने कप उठा रखा है, एक दो ने, और मैं जैसे ऐसे कप उठाता हूँ ऐसे ही करा था और वो सारा का सारा नीचे कप गिर गया, और वो जो पीछे की है पकड़ने वाली कैप वो मेरे हाथ में।
ये नहीं समझ आई। फिर मेरा दिमाग खड़का कि नहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ है, कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटी और है। वो भी मेन बंदे को टारगेट करती है। हाँ, मेन बंदे को टारगेट करती है। नहीं करती तो उन्हें भी, हमारे जो टीम मेंबर है उन्हें भी करती है। अब देखो ना आगे होता क्या है। नहीं, जैसे मैं अपनी टीम के साथ जाता हूँ ना, हाँ हाँ, तो सबसे पहले मेरे को ही आभास होता है ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, ये फैक्ट है। उसके बाद सबको वो चीज फील होने लग जाती है। हाँ, वो चीज सबको फील होने लग जाएगी। अगर आप ही उस चीज को दबाते रहेंगे, नहीं यार ये ऐसा नहीं है, नहीं ऐसी आवाज आई है तो ये इस कारण से आई है, कोई ईंट गिरी है तो इस कारण से गिरी है, उनको कारण बताते रहो, वो डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। सही बात है। अगर कारण बताना आपने बंद कर दिया तो उनके अंदर भय पैदा हो जाएगा। अब हुआ क्या आगे, चलो ये दो आवाजें आई, हाँ जी, तीसरा, ये सारे मेरे मुंह को देख रहे हैं, अब क्या है, उनको जवाब चाहिए उसका। मैं बोला भाई अब क्या है, ये अब ये तो कुछ है ना। नहीं, मैंने फिर भी कहा, अच्छा, मैंने कहा कि भाई शायद ये नाजुक है, उठाया था और ये डंडी इसकी कमजोर हो रही थी और कप नीचे गिर गया, वो वेट नहीं उठा पाया। कि चलो ठीक है, आप जितना मर्जी कहते रहो, बाकी है तो कुछ अलग ही। मैं बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी और देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब हमने अपने गैजेट निकालते हैं, वो दिखाऊंगा मैं आपको। एक वो होती है स्टिक, मैं समझ गया, वो एनर्जी। हाँ हाँ, वो हाँ, वो हमें ना इस कॉपर की होती है। हाँ, हाँ, कॉपर की होती है, एक यहाँ, जिस भी साइड नेगेटिव एनर्जी होगी। नहीं नहीं, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का पॉइंट ये है। हाँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम ये अब ऐसे तो डाल लिया, ये दोनों अंगूठे मिलाते हैं इस तरह से। अब ऐसे मिला लिया, वो स्टिक दोनों सीधी रहती है और उनको इतनी दूरी पर रखा जाता है, ये थोड़ा 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 मिलाते रहे और बस ऐसे हटाते रहे। वो जिधर भी इस तरह की एक्टिविटी होगी वो उसी तरह उसी तरह घूम जाएगी। अगर पीछे है तो वो एकदम उल्टी हो जाएगी, सामने है तो सामने हो जाएगी, ऐसे है तो इधर हो जाएगी। हाँ जी, इस तरह से होती है वो चीज। तो कहीं अगर यूज करना हो तो आप यूज कर लेना। नहीं नहीं, वो मेरे पास भी है, लेकिन मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता उन चीजों को। तो मैंने बताया ना, इस तरह से ये अंगूठे मिलेंगे और तब ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब हम रात को क्या है, चलो उनको मैं कह रहा था कि भाई कप भी ऐसे ही कमजोर होगा, टूट गया होगा। कहने लगे जी नए कप है सारे, एक कप वाला ही कमजोर था क्या। अच्छा, अब मैंने वो बात, चलो उस बात को भी आपने इग्नोर कर दिया। हाँ, इग्नोर करा। अब मैंने कहा कि भाई एक हमारे पास यूवी लाइट है, क्यों वो इस चीज को देखना चाहते हैं। अब मैं तो महसूस करता हूँ, आभास होता है मुझे। मैंने उनको कहा भाई ये यूवी लाइट ले जाओ, ये कैमरा ले जाओ, नाइट विजन कैमरा, और देखो घुमाओ सारे कमरों में, देखो क्या होता है। अंदर कमरों में वो घुमा रहे हैं और ऊपर उनकी फैमिली सोई हुई है, वो जो जिनको वो लड़का आंटी कह रहा था वो मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं। मैं कहने लगा जी आपको नींद नहीं आ रही। जी मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही कि आप यहाँ पे हैं तो आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं बोला, उनका नाम तो मैं भूल गया, मैं उनसे कहने लगा जी ऐसा तो नहीं है, देखो शक के दायरे में सभी होते हैं। सही बात है, सही बात है। मैंने ये कहा कि कभी आप ही तो नहीं है डराने वाले, आप ही तो इधर उधर कुछ हरकतें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, शायद इसलिए आवाज आए। कि मैं घर की मुखिया हूँ, मैं क्यों करूंगी ऐसा। मैं बोला चलो ये बात भी ठीक है। तो अब वो कैमरों में वीडियो वगैरह बना रहे हैं, यूवी लाइट दिखा रहे हैं इधर उधर, चलो ठीक है। अब K2 मीटर भी लगा रखा है, K2 मीटर ने बिल्कुल काम नहीं करा उस, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं करा, जो लाइटिंग ब्लिंक था वो बिल्कुल नहीं, एक ही लाइट थी उसमें। बाकी मुझे एहसास हो रहा था कि नहीं आसपास कोई ना कोई है। बाकी मैंने तो उनको कहा था कि भाई सारे कमरे में। अब वो क्या है कि बाहर की तरफ जाते हैं कमरे से, बाहर की तरफ, बाहर क्या है, एक गैलरी है, पीछे भी है, बीच में मकान बन रहा है और चारों तरफ जगह है जहाँ गमले पौधे ये लगा रखे हैं। तो वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन को ये ऐसे कर रहे थे, तो मैं अपना बैठा था, भाई जाओ देखो, क्यों तभी तो ये पक्के होंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं हर एक जगह इनके सर पे खड़ा रहूँ। सही बात है। अब वो वहाँ यूवी लाइट से कुछ देख रहे थे, तो K2 मीटर भी साथ था, तो वहाँ काम किया और वो जो लड़का है हमारे साथ में वो एकदम चीख के पड़ा। अब रात को इतनी तेज चीख, मैं भागा, मैं भाई क्या हुआ, कि जी यहाँ काम करा रहे भाई, तने मुझे डरा दिया यार। मैं बोला पता नहीं क्या हुआ कि जी यहाँ ये K2 मीटर काम कर रहा है। अरे भाई वो तो ठीक है, मीटर काम कर रहा है, तो चीखा क्यों। वो एक्साइटमेंट में। हाँ हाँ, तो वहाँ हमने रखा तो वो मीटर काम कर रहा था। मैं बोला भाई ऐसे इस मीटर को तो रख दो यहीं पे और सारे हो जाओ पीछे, यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं कुछ आए।
तो वहाँ वो मीटर पहली पहले से दूसरी लाइट ब्लिंक कर रही थी, तीसरी कर रही थी, तो हमने वहाँ बात भी करनी चाही, तो उसके बाद वो लाइट वहाँ से बंद हो गई। अच्छा। फिर हम आके कमरे में बैठ गए, फिर उन्होंने कमरे में देखा, फिर बाहर मैंने बाहर भेजा, तो वहाँ एहसास हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि वो आगे आगे शूट कर रहे हैं और वो चीज़ें पीछे चल रही हैं उनके, चप्पलों की इस तरह से आवाज़ आना, खट 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 इस तरह से। तो सारी हमारी टीम ने कहा कि गुरुजी यहाँ कुछ ना कुछ है, एक्टिविटी है ऐसी। चलो ठीक है, एक्टिविटी है ऐसी। अब क्या है कि जो हमारे टीम मेंबर है उसमें से एक को कहने लगा कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है। मैं कहने लगा कि भाई जा, चला जा, कहता मैं तो अकेला जाता नहीं। अरे भाई तू फिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बन जाएगा तू ऐसा, कहता नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। अब वो जाता है बाथरूम में, अब बाथरूम में जैसे ही जाता है और थोड़ी देर बाद और दरवाजे पीट रहा है। हमने पूछा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। अब आवाज जब दरवाजे पीट रहा तो हम भागे तो देखा, अरे भाई अंदर से खोल ले। कह जी खुल ही नहीं रहा। मैं क्या हुआ कि अचानक से एकदम से बंद हुआ, गेट खोल के वॉशरूम जा रहा है। कहता है कि नहीं अचानक से अपने आप ही ये लगा है, मैंने खुद देखा है लगा है। भाई हवा से लग गया होगा, कि यहाँ कहाँ से हवा आई। देखो कई बार दीपक जी क्या होता है, अब कहीं भी हम किसी के घर में जाते हैं और जो गेट अपने आप लगता है या हल्का सा खुलता है, एक लॉजिक बताता हूँ आपको, मैंने खुद इस पर बहुत गहनता से देखा है। जैसे कि घर है पूरा चारों तरफ से पैक है, वो खिड़कियाँ तक में शीशे लग रहे हैं, वहाँ अगर आप एक गेट खोलेंगे ना तो दूसरे में आवाज आएगी, आप देखना कभी ऐसा। ये लॉजिक है बहुत तगड़ा। तो लोग क्या है उसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। महाराज मौसम तो यहाँ भी बदल गया पूरा, यहाँ कुछ अभी जब हम बैठे थे यहाँ कुछ आपको कुछ महसूस हो रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, चेंज सही हो गया टेम्परेचर एकदम से, इतनी बड़ी तब्दीली टेम्परेचर में, ठंड लगने लग गई बैठे बैठे। मुझे तो नहीं लग रही। तो ऐसा है, ठंड तो हो रही है यहाँ पे। अब आगे की बात करें। हाँ जी हाँ जी। तो होता क्या है वहाँ पे, पूरी रात हमारी टीम सोई नहीं। हाँ। उस उन चीजों ने, जो भी एक्टिविटी थी, जो भी कुछ था वहाँ पे, उन चीजों ने हमें सोने नहीं दिया। अब एक सो रहा है, दूसरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर किसी ने खींचे। अच्छा। हाँ ऐसा हमारी पूरी टीम के साथ में वहाँ पे हुआ था। हुआ। हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो सुबह सुबह उठते हैं, सबने अपनी अपनी बात बताई, भाई तू रात मुझे ऐसे छेड़ रहा था जबकि ऐसा कुछ था नहीं। फिर दूसरा लड़का कहता है कि भाई तूने मेरे ऊपर से चद्दर उतारी। वो कहता मैंने नहीं उतारी। फिर मैंने सीरियस होकर सबसे बात करी, भाई हुआ क्या, क्या था ये, क्या मैटर है। वो क्या था, जैसे लगभग 3-3:30 बजे वो सारे सो गए थे, मैं भी लेटा हुआ था, तो वो सुबह बता रहे थे कि जी मेरी चद्दर खींची थी, कोई कहता था कि मेरे पैर ऐसे पकड़ के ना थोड़ा सा खींचा था मुझे, तो इस तरह की थी। मैं बोला यार तुम क्यों भ्रम पैदा कर रहे हो, आप ठीक करने आए हो किसी के घर को या आप और इनको भ्रमित करने आए हो? मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे से अकेले में बात करो ना। तुम उस बुजुर्ग महिला के सामने इस तरह से बोल रहे थे तो ये गलत बातें हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उससे क्या है कि अब उनको तो ये विश्वास है ना ये सब कुछ ठीक करके जाएंगे और आप भ्रम फैला रहे हो, तो ये तो गलत है ना। फिर मैंने उनको समझाया था कि जी ऐसा कुछ नहीं था, ये तो मजाक कर रहे थे, बाकी ऐसा था, ऐसा हमारी आपने उनको हौसला देने के लिए। हाँ हौसला देना चाहिए, ये थोड़ी है कि कोई डर रहा है तो उसको और ज़्यादा डराया जाए, ये गलत बात है। और तो वहाँ जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी या रात को हम रहे, जो भी कुछ हुआ, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो है। तो मेरी सलाह तो यही है उनको कि अगर वो उस मकान को ही बेच दें तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कोई कोई केस ऐसे होते हैं हमारा जी जो कि उलझन भरे रहते हैं, वो नहीं वो हाँ सॉल्व नहीं कर सकते आप उनको। नहीं सॉल्व तो कर सकते हैं, उसमें है ना वो इतना समय नहीं दे पाएंगे हमें और ना ही हमारे पास इतना समय है। अब मान लो ये पूरा प्रोसेस लगभग 1 हफ्ते का है, अब 1 हफ्ते अगर वहाँ रह गए तो और जो लोग हैं उनका काम कैसे करें हम, उनकी कैसे सुने। लोग इतना फ़ोन करते हैं, इतने करते हैं, जी मुझे ये कहा था 3 दिन में बात करनी है, कोई कहता है 4 दिन में बात करनी है, और के महाराज जी से आप बात नहीं करवा रहे। देखो अगर इतनी कॉल आ रही है तो संभव नहीं है सभी से। सही बात। तो इस तरह का होता है, समय का बड़ा अभाव है, समय का बड़ा अभाव, सभी का काम नहीं हो सकता। तो भाई मेरे महाराज जी ने भी मेरे से प्रॉमिस किया है एक जगह लेके चलने का। हाँ
पक्का है महाराज जी वो? पक्का है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इसलिए ही। देखो ऐसा है, एक ऐसी हॉन्टेड जगह हम जाएंगे, मैंने दीपक जी को आग्रह किया है कि ये चले वहाँ पे, और बहुत कुछ है। मैंने बताया था कि कोई चीज छुप रही है, शायद ये आभास ना कर पाए। कहते हैं एक सांप छुपा हुआ है तो वो कैसे निकलेगा, तो कहीं ना कहीं अब हमें पता है तो उसको थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना ऐसे ही महाराज जी के साथ मेरे और एपिसोड आए और प्रॉपर एक एपिसोड बनाएंगे, जैसे कि बहुत सारे अभी महाराज जी ने बताया कि किसी के साथ कुछ दुविधा है, किसी के साथ कुछ है, और वो चीज़ विद प्रूफ हम लेके चले। इस वीडियो पे अगर 25,000 लाइक आ गए तो हम भाई नेक्स्ट वीडियो, और महाराज जी ने बताया कि मेरे साथ एक बार 64 योगिनी मंदिर चलो, हाँ 64 योगिनी, वहाँ पे बहुत कुछ हम निकाल सकते हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे। तो 25,000 कमेंट और 25,000 लाइक और 10,000 कमेंट कुछ धमाकेदार ही आएगा भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी महाराज जी के पेज को भी फॉलो कर लेना, बाकी लास्ट में मैं सारी डिटेल्स आपको देता हूँ, वो डिटेल से आप महाराज जी से कॉन्टैक्ट कर सकोगे। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भाई इतनी ठंड में आपके लिए भाई कहाँ बैठे हैं, सारे सिकुड़ के बैठे हैं जितने कैमरे के आगे पीछे हैं। 12:30 हो गया, हाँ लाइक जरूर करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट, बस ये चाहता हूँ मैं आपसे। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, लाइक करे हुए बिना मत जाना। अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट लेवल ले जाएं इस इन्वेस्टिगेशन को, तो क्या करना है आपको, लाइक टारगेट आपने देख लिया होगा, कमेंट टारगेट आपने देख लिया होगा, जल्दी से पूरा कर देना है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, महाराज जी की सारी डिटेल्स चैनल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके फॉलो कर लेना। सभी को मेरा नमस्कार, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।